नमस्कार दोस्तों, ऑल राउंडर गार्गी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एकदम ठंडे ठंडे रसगुल्ले, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ आज के वीडियो में छोटी छोटी टिप्स, जिससे आप भी बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट रसगुल्ले बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और उसके बराबर में जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, रसगुल्ला रेसिपी। तो फ्रेंड्स, रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध लेंगे, गाय का दूध लेंगे, और अगर हो सके तो टोंड मिल्क लीजिए। गाय का दूध बेस्ट रहता है स्पंज बनाने के लिए या रसगुल्ले बनाने के लिए, हम उस पर बाद में आएंगे, पहले हम उसको फाड़ने की तैयारी करेंगे। तो मैंने लिया है 1 कप पानी, नॉर्मल पानी है रूम टेम्परेचर पर। इसमें 2 चम्मच मैंने सिरका डाला है, विनेगर डाला है। नींबू का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, नींबू के जो रेशे होते हैं वो आ जाते हैं। अगर आप नींबू का इस्तेमाल करें तो उसका जो रस है वो छान के यूज़ करें। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ, अब हम अपना दूध बॉयल करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैन में मिल्क को रख दिया है, 1 लीटर दूध यूज़ कर रही हूँ मैं, और ये काऊ मिल्क है, और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर ही बनाऊँगी, इसको बॉईल करूँगी, और इसको कंटिन्यूस आपको चलाना है। इसको उबालते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, ये दूध नीचे से लगना नहीं चाहिए, दूसरा ऊपर दूध के ऊपर मलाई नहीं आनी चाहिए। तो इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें उबाल आने वाला है, ये दूध काफ़ी गर्म हो चुका है। इसमें उबाल आते ही हम इसको उतार देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, और इसको इसी तरीके से उतारने के बाद भी चलाते रहना है। इसके ऊपर जो मलाई आ जाती है जब दूध ठंडा होता है, वो मलाई नहीं आनी चाहिए। तो थोड़ा सा हमारा दूध जब ठंडा हो जाएगा तब हम उसको फाड़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो दूध हमने लिया था वो बॉयल हो चुका है, लेकिन ये अभी बहुत गर्म है। तो एकदम हमें गर्म गर्म दूध में गर्म गर्म दूध का छेना नहीं बनाना है, हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता हम इसको इसी तरीके से चलाएंगे। रीज़न क्या है कि हम इसके ऊपर मलाई नहीं पड़ने दे रहे, कि वो जो फैट कंटेंट है वो सब एक जगह आ जाएगा, उससे हमारा छेना इक्वल नहीं बनेगा। तो हमें मलाई नहीं आने देनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी रसगुल्ले बनाएं आप बिल्कुल फ्री होके बनाएं, कि कोई मतलब आप काम ना कर रहे हो उस टाइम, अब बिल्कुल फ्री होके बनाएं, क्योंकि रसगुल्ला बनाना बहुत आसान है लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो परफेक्ट बनेंगे। तो इसे मैं ठंडा कर लूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद मैं इसके अंदर सिरके वाला पानी ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा दूध है इसको हमें धीरे धीरे फाड़ना है, मतलब हमारा जो छेना है वो कर्रा नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट बनना चाहिए। तो मैं इसके अंदर 1-1 चम्मच करके ये जो सिरके वाला पानी है वो डायरेक्ट धीरे धीरे करके डालूंगी। एकदम से आपको ये पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और इसको फिर कंटिन्यूसली चलाते रहना है। हमें जो छेना है वो सॉफ्ट से सॉफ्ट बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना है। ये दूध मतलब ये जो दूध का जो पानी है, छेना बनने के बाद पानी अलग और छेना अलग हो जाएगा, वो बहुत अच्छे से अलग हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए, उसके लिए हमें बहुत तसल्ली से छेने को फाड़ना है। तो बहुत धीरे धीरे करके हम इसके अंदर पानी डालेंगे, कभी भी सिरके को डायरेक्ट ना डालें, हमेशा पानी का यूज़ करें। और अगर आपको इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी मिला सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा उसके अंदर जो रसगुल्ले की क्वालिटी होती है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट करके ही इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये छेना बन चुका है इस दूध का, और दूध या पानी देख सकते हैं, छेने ने पानी कितने अच्छे से छोड़ा है, और मैं आपको छेने की क्वालिटी दिखाती हूँ पास से, कितना सॉफ्ट छेना बना है, बहुत सॉफ्ट छेना बना है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से इसके अंदर जो दूध कंटेंट है वो अच्छे से फट जाए। फ्रेंड्स, हमने एक स्ट्रेनर लिया है और उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बिछाया है। तो हमें इसको, ये जो छेना मैंने बनाया है, तो दूध को मैंने एकदम से नहीं फाड़ा, थोड़ा सा टाइम दिया उसको फटने के लिए। तो गैस से उतारने के बाद आप इंतज़ार करें जब तक उसकी कर्डलिंग शुरू नहीं होती और छेना नहीं बनता। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से छेना बना है और पानी एकदम सेपरेट आउट हो गया है, बिल्कुल कलरलेस है, बिल्कुल भी दूध का अंश नहीं है इसमें। तो इसको अब मैं 4 से 5 बार वॉश करूँगी इसी स्ट्रेनर में रख के। और ये जो फर्स्ट टाइम का वाला पानी होता है, जैसे वे कहते हैं, आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लाइक पराठा बनाना है या कढ़ी बनानी है या किसी और चीज़ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको खटास चाहिए। इसकी बटर नान, इस पानी की बटर नान भी बहुत अच्छी बनती है। और अब हम इस छेने को नॉर्मल पानी से खूब अच्छे से ऊपर नीचे करके धो लेंगे 4 से 5 बार। इसके अंदर से बिल्कुल भी खटास जो सिरके की है वो निकल जानी चाहिए और पानी एकदम क्लियर आ जाए। तो इसको हम बहुत अच्छे से धोएंगे और धोने के बाद निचोड़ेंगे हल्के हाथ से। फ्रेंड्स, मैंने इसको 4 बार धो लिया है और पानी हमारा देख सकते हैं आप काफ़ी क्लियर आ गया है।
अब मैं इसको बहुत हल्के हाथ से निचोड़ूंगी, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है इस छीने को, बस हल्के हाथ से निचोड़ना है। हमें इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं करना, कम करना है। तो इस तरीके से हम इसको निचोड़ेंगे हल्के हाथ से, और इसको मैं आधे घंटे के लिए टाई करके रख दूंगी। मतलब आप किसी हाइट पर इसको लटका के रख दें जिससे इसके अंदर जो भी एक्सेस वाटर हो वो निकल जाए, लेकिन ज़्यादा देर के लिए ना रखें, आधा पौन घंटे के लिए ही इसको रखें, जिससे इसका बस एक्सेस वाटर हमें निकालना है। इसको एकदम खुश्क नहीं करना है हमको। मैंने इसको इस तरीके से टाई करके हैंग कर दिया है। अब इसमें से ड्रॉप ड्रॉप करके पानी निकल जाएगा जो एक्सेस होगा, तो आधे पौन घंटे बाद हम आगे का स्टेप में बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हम अपने रसगुल्लों को तैयार कर रहे हैं तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, इसके अंदर 1 कप मैंने चीनी ली है और 6 कप पानी डाला है। मतलब 1:6 के रेशो में आपको लेना है। अगर आपने ज़्यादा दूध लिया है तो आप ज़्यादा चीनी लें और ज़्यादा पानी लें और बड़ा बर्तन लें। तो इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ स्लो गैस पर। फ्रेंड्स, 30 मिनट्स हो चुके हैं इसको हैंग करे हुए, तो इसको अब मैं निकालूंगी एक प्लेट में। और इसको हम अभी इसमें हमें बहुत सारा दाना दिख रहा है और ये बहुत बिखरा बिखरा है, तो हमें इसे एकदम चिकना करना है। तो इसे मैं सबसे पहले थाली में, बड़ी सी थाली या परात में ट्रांसफ़र कर लूँगी। फ्रेंड्स, हमारा जो छेना है वो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन अभी ये एकदम बिखरा बिखरा हो रहा है, दानेदार है। तो इसको मुझे अच्छे से इस तरीके से हथेली से मसलना है जब तक ये एकदम चिकना और एक चिकना डोसा नहीं बन जाता। तब तक इसको ऐसे ही मुझे हथेली से रगड़ना है। इसको करने में मुझे 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। और इसके अंदर हमें 1 चम्मच अरारोट डालना है, 1 TSP। तो ये हाफ, बिल्कुल 1 चम्मच ही डालना है, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसको मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से चिकना कर लूँगी। आपको ये प्रोसेस बहुत हल्के हाथ से करना है और सिर्फ हथेली की हेल्प से करना है। जब आपका आटा चिकना हो जाएगा तो वो बहुत आसानी से रोल होने लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। देखिए, ये जो थाली है ये अपने आप क्लियर हो जाएगी, इस तरीके से एकदम चिकना हो जाएगा। कितना फटाफटा सा हो रहा था हमारा जो छीना था, और अब बिल्कुल एक सार हो गया है। मैं आपको 1 मिनट बाद पास से दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छे से ये इसके अंदर अब दाना नहीं दिख रहा है, एकदम स्मूद हो गया है। तो इसको हमें स्मूद होने तक ही बस अच्छे से करना है इसको, मतलब नीड करना है, और बहुत हल्के हाथ से, बिल्कुल सिर्फ हथेली की हेल्प से, बहुत हल्के हाथ से। अब ये हमारा बहुत अच्छे से नीड हो गया है, तो इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इसकी हम बॉल्स का साइज़ बहुत छोटा रखेंगे, क्योंकि वो फूल के बहुत बड़े हो जाते हैं जो हमारे रसगुल्ले होते हैं। तो मैं उनका साइज़ बहुत छोटा ही रखूँगी, मतलब मीडियम रखेंगे, बहुत छोटा भी नहीं, थोड़ा छोटा ही रखेंगे। मैंने इसको डो को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब बिल्कुल बहुत ही हल्के हाथ से, क्योंकि एकदम चिकना हो गया है, तो हमें बिल्कुल बस बड़े हल्के हाथ से इसको इस तरीके से रोल करना है। और आप महसूस करेंगे कि इसके अंदर एक अलग सी चिकनाई आ जाती है, और ये कहीं से भी इसके अंदर क्रैक नहीं होना चाहिए। और ये देख सकते हैं आप, एकदम गोल बन गया है, एकदम चिकना है। इस तरीके से हम सारी बॉल्स बना लेंगे। चाशनी में हम इनको तभी डालेंगे जब चाशनी में उबाल आ जाएगा। दूसरी बात, चाशनी में हमें इन्हें एक एक करके डालना है, एक साथ सारे नहीं डालें। मतलब एक डालें फिर चाशनी में उबाल आने का वेट करें, उसके बाद हम दूसरा छोड़ेंगे। इस तरीके से हम इन्हें बनाएंगे और एक एक करके इन्हें छोड़ेंगे। देखिए इस साइज़ का रखेंगे, ये इतने बड़े हो जाएंगे बनने के बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो चाशनी है उसमें उबाल आ चुका है, और हम इसमें एक रसगुल्ला छोड़ देंगे, फिर उबाल आने का वेट करेंगे और फिर हम अपना दूसरा रसगुल्ला छोड़ेंगे। इसी तरीके से हम थोड़ा सा उबाल आने देंगे सेकेंड टाइम के लिए, तब हम अपना दूसरा रसगुल्ला छोड़ेंगे। इस तरीके से हम सारे रसगुल्लों को छोड़ देंगे और इन्हें 5 मिनट के लिए पकाएंगे चाशनी में। और इनको बिल्कुल भी अभी टच नहीं करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे रसगुल्लों को इसमें छोड़ दिया है। अब मैं 5 मिनट के लिए इन्हें पकाऊंगी, और 5 मिनट बाद मैं इसे आपको दिखाऊंगी। इसे हम ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे फूले हैं। हम इन्हें अब हल्के से फ्लिप करेंगे और 5 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। बहुत हल्के हाथ से इन्हें फ्लिप कर देंगे और इन्हें हम फिर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट और हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारे रसगुल्ले हैं वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बड़े हो गए हैं। अब मैं इसको एक दूसरी टेक्निक से ठंडा करूंगी। मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे मेरे पास कि हमारे रसगुल्ले बनते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बनने के बाद पिचक जाते हैं या फिर मतलब कड़क से हो जाते हैं।
तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको गर्म चाशनी में पड़ा ना छोड़ें। आप एक ठंडा पानी ले लें, बिल्कुल आइस वाटर लेना है, आइस वाटर ले लें, और हम अब उन रसगुल्लों को जो हमारे पक गए हैं एक एक करके इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने सारे रसगुल्लों को पानी से इसकी चाशनी से निकाल के इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, और इस चाशनी को हम ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, तब तक इसी में रहने दें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो रसगुल्ले हैं वो नीचे बैठ रहे हैं, इसका मतलब हमारे रसगुल्ले पक गए हैं, और अगर ये रसगुल्ले पके नहीं होंगे तो ये ऊपर ही तैरते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये जो चाशनी वाला पानी है अब ठंडा हो गया है, तो अब मैं इनको बहुत हल्के हाथ से प्रेस करके इसका पानी निचोड़ के इसके अंदर इनको डालूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बने हैं हमारे जो स्पंज हैं रसगुल्ले हैं, और इसके अंदर मैं डालती जाऊंगी, फिर ये अपना शेप एक्वायर कर लेंगे, और ये जो जूस मतलब ये जो चाशनी है धीरे धीरे इसके अंदर जाती रहेगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें बहुत अच्छे से प्रेस किया था और फिर से ये अपनी पोजीशन में आ गए हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत अच्छे बने हैं। अभी ये गर्म है तो भी थोड़ा सा अभी हमें इसको फ्रिज में ठंडा करके फिर ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो चलिए इन्हें हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ठंडे ठंडे रसगुल्ले एकदम रेडी हैं सर्व करने के लिए, तो चलिए हम इन्हें फटाफट सर्व करते हैं। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।